मेजर वर्ब्स की बात की जाती है तो अक्सर स्टूडेंट के साथ साथ बड़े भी कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज आखिर हो भी क्यों ना। फ्रेजल वर्ब्स इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको फॉर्म करने के लिए ग्रामर के अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल एक साथ किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, फ्रेजल वर्ब्स को फॉर्म करने के लिए कभी कभी आप एडजेक्टिव और नाउन का इस्तेमाल करते हो तो कहीं वहीं पर एडवर्ब के साथ प्रीपोजिशन का भी इस्तेमाल होता है, और वहीं दूसरी तरफ आप एक वर्ब के साथ प्रीपोजिशन के डबल यूसेजेस को भी देख पाओगे। फॉर इंस्टेंस, अगर ऐसा मैं बोलूँ लुक आफ्टर, तो इस फ्रेजल वर्ब्स को देखकर आपको क्या लगेगा? लुक का मतलब होता है देखना और आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, यानी कि इस फ्रेजल वर्ब्स को फॉर्म करने के लिए वर्ब एंड प्रीपोजिशन का इस्तेमाल एक साथ किया गया। अब इसके अगर मीनिंग पर हम लोग बात करते हैं तो लुक का मतलब हो जाता है देखना और आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और अगर हम ऐसा सोचते हैं कि इसका मतलब है कि बाद में देखना, तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे हम गलत हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो मीनिंग होता है पूरी तरीके से अलग होता है। लुक आफ्टर का मतलब एक्चुअल जो मीनिंग होता है फ्रेजल वर्ब्स के अकॉर्डिंग, वो होता है किसी का ख्याल रखना। जी हाँ, तो कुछ इसी तरह के सेशन के साथ आज सबों के बीच में मौजूद हुआ हूँ ताकि फ्रेजल वर्ब्स और इडियम एंड फ्रेजेस के इसी तरीके से कॉन्सेप्ट में जो कन्फ्यूजन होते हैं उस चीज़ को मैं जितना हो सके हद तक दूर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इडियम एंड फ्रेज के हमारे इस पहले एपिसोड के हमारा पहला फ्रेज है फॉल फॉर, राइट। फॉल फॉर का मतलब होता है किसी की तरफ आकर्षित हो जाना या फिर किसी से मोहब्बत हो जाना। इसको हम लोग दो कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडीशन नंबर वन, इसका इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हो जिस इंसान को आप पहले से जानते हो और बाद में उसकी खूबियों या फिर एबिलिटी को जानने के बाद आप धीरे धीरे उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, या फिर यूँ कहूँ तो आपको उससे लगाव हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, मैं ऐसा कह सकता हूँ, यस Supriya is always talking about that guy. I think she is falling for him. Yes. Condition number two, इसका इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हो जिस इंसान से आप पहली बार मिले हो सकता है वो अजनबी हो और पहली मुलाकात में ही आप उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो या फिर आपके दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स आने लगती है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो फॉल फॉर का, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे कह सकते हैं, यस दे फेल फॉर ईच अदर इंस्टेंटली, यस वो दोनों एक दूसरे को देख कर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए। अगले फ्रेज का इस्तेमाल हम उस कंडीशन पे करते हैं जब हमें किसी के सम्मान देना होता है या हम किसी को पसंद करते हैं, जी हाँ, और इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं लुकअप टू का। तो चलिए इसे एग्जांपल के तौर समझने की कोशिश करते हैं। मैं इस तरीके से बोलूँ, शी ऑलवेज लुक्ड अप टू हर मदर एंड वॉन्ट्स टू बी जस्ट लाइक हर, उसने अपनी माँ का हमेशा सम्मान किया, उनकी इज्जत की और वो ज़िंदगी में बिल्कुल उन्हीं की तरह बनना चाहती है। अगले इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल हम किसी रिश्ते को टूट जाने या यूँ कहूँ तो किसी रिश्ते को छोड़ देने के लिए करते हैं, और इसके लिए हम लोग इंग्लिश में स्प्लिट अप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर इंस्टेंस, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, शी हैज स्प्लिट अप विथ हर हस्बैंड, उसने अपने सारे रिश्ते अपने हस्बैंड से तोड़ दिए। जब हमें अपने झगड़े को किसी से ख़त्म कर देना होता है या किसी को माफ़ कर देना होता है तो उसके लिए इंग्लिश में हम लोग मेक अप विथ का इस्तेमाल करते हैं। फॉर इंस्टेंस, हे यू टू, इट्स टाइम टू शेक योर हैंड्स एंड मेक अप, हे तुम दोनों चलो एक दूसरे से हाथ मिलाओ और एक दूसरे को माफ़ कर दो। यस, जब किसी ऐसी चीज़ को बर्दाश्त करने की बात की जाए जिसे आप करना नहीं चाहते और आपको सहन करना पड़े, तो वैसा कंडीशन में हम लोग इंग्लिश में पुट अप विद का इस्तेमाल करते हैं। फॉर इंस्टेंस, आई डोंट नो हाउ डू यू पुट अप विद हिज बैड टेम्पर, मुझे मालूम नहीं तुम इसके ख़राब बिहेवियर को कैसे बर्दाश्त कर लेते हो। जी हाँ, आपको नहीं लगता कि इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए आपको भी सेटल डाउन हो जाना चाहिए? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके घर बसाने का। इंग्लिश में घर बसाने को हम लोग सेटल डाउन का इस्तेमाल करते हैं, ये एक फ्रेजल वर्ब। तो चलिए इसे एग्जांपल के तहत समझने की कोशिश करते हैं। हर मदर विशेस शी वुड सेटल डाउन एंड गेट मैरिड सून। यस, इंडिया में जब शादी होती है लोग खाने कम और किसी को पाने के लिए ज़्यादा जाते हैं। जी हाँ, जब किसी से आप पहली बार मिलते हो और मिलते ही उसे पसंद करने लगते हो या उसके ख्यालों में खो जाते हो, तो उसके लिए हम लोग हिट इट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंग्लिश का एक फ्रेज है। तो चलिए इसे एग्जांपल के समझने की कोशिश करते हैं। यस, ही मेट हर एट अ पार्टी एंड हिट इट ऑफ राइट अवे, वो उससे पहली बार एक पार्टी में मिला और मिलते ही उसे पसंद करने लगा। ये ज़िंदगी है मेरे दोस्त, गम है तो खुशियाँ भी आएगी, आपकी ज़िंदगी भी लोग आए हैं तो एक दिन छोड़कर चले भी जाएंगे। इन्हीं तमाम लोगों के बीच इस ज़िंदगी में आपके लाइफ में कोई ऐसे शख्स ज़रूर आए होंगे जो आपकी ज़िंदगी में एक गहरी छाप छोड़कर चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आपको ज़िंदगी में किसी से लगाव हो जाए, किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाए और आप उसके ख्यालों में पूरी तरीके से खो जाएं, तो उस कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश में हम लोग हेड ओवर हील्स इन लव का इस्तेमाल करते हैं। फॉर इंस्टेंस, जस्ट हैव अ लुक दैट कपल्स, दे आर हेड ओवर हील्स इन लव विद ईच अदर। ज़रा उन कपल को देखो, वो एक दूसरे की मोहब्बत में कितने डूब से गए हैं। जब आप खुशियों के साथ में आसमान पर चढ़ जाओ तो उसके लिए हम लोग इंग्लिश में इन सेवेंथ हेवन का इस्तेमाल करते हैं। इसका आसान मीनिंग होता है, यह ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाना,
कभी कभी आप ऐसे एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए कहते हो ना, आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा पल है, ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। उस कंडीशन के लिए आप इन द सेवन्थ हेवन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर इंस्टेंस, सिंस दे गॉट मैरिड दे हैव बीन इन सेवन्थ हेवन। जब से उन लोग की शादी हुई है, उन लोग की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गई। यस गाइस, तो ये थे आज के हमारे 10 फ्रेजल वर्ब जिनको हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीख चुके, और हमें ये भी मालूम हो चुका कि ये 10 फ्रेजल वर्ब कैसे 10 अलग कंडीशंस को एक्सप्रेस करते हैं। मुझे उम्मीद है जब ऐसे चीज़ों को एक्सप्रेस करोगे तो आप ऐसे फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल ज़रूर करोगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। चल दा चढ़ा, बाय बाय।